अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह आज वीरवार को करनाल के सिंघड़ा गांव में स्थित गुरुद्वारा नानकसर में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के चलते गुरुद्वारा नानकसर के प्रमुख संत बाबा राम सिंह ने गत 16 दिसंबर को किसानों का दर्द ना सहते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। हरप्रीत सिंह ने बताया कि संत बाबा राम सिंह सिख कौम के महान प्रचारक थे। उन्होंने कहा कि उनकी इस घटना से ये साबित होता है कि उनका हृदय बहुत कोमल था। उन्होंने सिख धर्म के प्रचार प्रसार में सारी जिंदगी लगाई और उनके द्वारा लगाया गया जो बगीचा है आज यहाँ आने पर यह साबित करता है कि सारी उम्र वह सिख धर्म के प्रचार में ही व्यस्त रहे। सिंह साहब ने अकाल साहिब की तरफ से नानकसर सिंघड़ा गुरुद्वारा के नव नियुक्त संचालक बाबा त्रिलोचन सिंह को दस्तार व सिरोपा देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जथेदार ने कहा कि दिसंबर का यह आखिरी सप्ताह है जो शहीदों को समर्पित है, संगत उसमें अपनी हाजिरी लगाए। सुच्चा सिंह लंगाह के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जांच चल रही है और उचित कार्रवाई होगी। की कहना चाहोगे जड़ा के किसान आंदोलन चल रहे हैं कई बड़ी ही साढ़े वास्ते हृदयवेदक घटना भी है कि साढ़े बहुत ही सत्कारयोग मैं समझदा कि भजन बंदगी की एक मूर्त सानो बाबा राम सिंह जी सिंगड़े वाले और सब तो वड्डी गल कि सिख कौम के महान प्रचारक सन जिन्हां ने हरियाणे दे विच सिखी दे प्रचार प्रसार दे खेतर दे विच बहुत वड्डा योगदान पाया ते सिखी दी उन्हां दी जिहड़ी लाई क्यारी है अज इस इलाके दे विच फलीभूत होई असीं देख रहे हां। वो साडे विच नहीं रहे किसान अंदोलन कारण जिहड़े साडे किसान ने सड़कां दे उत्ते बैठे है ठंडियां सियाल दियां रातां जिहड़ियां ने वो कट्टण वास्ते मजबूर हो रहे हैं उन्हां दे दुख नूं बिल्कुल भी सहार नहीं सके। इत्थों साबित हुंदा है कि उन्हां दा मन जिहड़ा है बड़ा कोमल सी ते किसी दे भी दुख नूं जरना उन्हां वास्ते बहुत औखा सी ते इसे ही औख नूं उन्हां ने महसूस किया ते सानूं सारे नूं समुचे सिख जगत नूं सदीवी विछोड़ा छड के दे गए ने इस इलाके नूं उन्हां दे जान दे नाल मैं समझदा इलाके नूं नहीं बल्कि पूरे हरियाणे नूं पंजाब नूं सारे ही सिखां नूं सानूं बहुत वड्डा घाटा पिया उन्हां दे चले जाण तों बाद। पर मैनूं इह वी उम्मीद है कि जो उन्हां दे स्थान दे उत्ते मनोनीत होए ने वो इलाके दे विच प्रचार प्रसार दीआं जिम्मेवारियां नूं निभाउंदे रहणगे ते श्री अकाल तख्त साहिब वल्लों दस्तार भेट कीती है पूरा सहयोग रहेगा भाई साहब भाई त्रिलोचन सिंह जी नूं उन्हां दी संगी बाबा जमेर सिंह जी बाबा भुला सिंह जी सब नूं पूरा सहयोग जिहड़ा है वो मिलदा रहेगा। शहीदियां दे दिन चल रहे ने बाबा जी सिंह साहिब बड़ा जिहड़ा दसंबर दा आखिरी पंद्रवाड़ा है साढ़े वास्ते अहम है क्योंकि इस पंद्रवाड़े के दौरान बड़ियां शहीदियां जिहड़ियां वो होईयां ने ते उन्हां शहीदियां दे विच्चों जिहड़े दो साके वड्डे चमकौर दा साका ते सरहंद दा साका ये पूरी दुनिया दे विच बेमिसाल लामिसाल है। चमकौर दी जंग दे विच वड्डे साहिबजादियां ने शहादत दित्ती उन्हां सिंघां ने शहादत दित्ती जिन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जानां तों वध प्यार करदे सी ते फतेहगढ़ साहब की पावन धरती के उत्ते सरहंद की धरती के उत्ते छोटे साहबजादियां ने शहादत दित्ती माता गुजर कौर जी ने शहादत दित्ती जिन्हों इतिहास माता गुजरी जी कह के सत्कार दिंदा यह बड़ा साढ़े वास्ते जिहड़ा है ये अहम दिहाड़े है असी पूरे सिख कौम सिख जगत इन्हां दिहाड़ियां नूं श्रद्धा भावपूर्त मना रहे हैं और सानूं इन्हां शहादतों तो सबक सीखण की और सीध लैण की बड़ी वड्डी लोड़ है। एक उत्थे ही सुच्चा सिंह लंगाह वाला जिहड़ा उन्हां नूं इत्थे खंड पट रखाए ने फतेहगढ़ साहब विच नहीं वो उन्होंने कार्रवाई प्रबंधकां ने कीती है कोई नहीं छोड़ ठीक। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.